हाथ खाली हो तो दानाई का इजहार ना कर, फ्यूल एडजस्टमेंट वाले हम पे वार ना कर, हाय घबराने पे भी टैक्स ना लगा दे कहीं, इस हकूमत की किसी बात पे एतवार ना कर, महंगाई नीचे नहीं आ रही तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती हैं पसंद दिखान और धड़क दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आज आप मेरे बारे में जो बातें करेंगे वो मैं सुनना नहीं चाहता। एक दिन पापी नु कहंदे ने, कहंदे कि मैं तुम्हें कोई लड़ाई का मौका नहीं दूंगा, कोई पापी कहंदी मैं तुम्हारे मौके की मोहताज नहीं हूं। बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन है, पंजाब असेंबली के अंदर साथ साथ चेयरपर्सन है हायर एजुकेशन कमीशन और मेंबर है स्पेशलाइज्ड हेल्थ की भी, मोहतरमा आसिया अमजद। उनका साथ देने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी पंजाब असेंबली में मियां ताहिर जमील। शो जी, आज मेरा शेर जो है वो शेर नहीं है जी, मियां साहब के साथ एक गिला है। गिला है। मियां ताहिर जमील इतने महीनों बाद आए हैं तो दिल खुश हो गया है। आए, आए, खुश हो गया। वगरना हम तो समझते थे हमारा यार लंबी तान कर सो गया है। सो गया है। मेरा इमाम है और सारी ये महफल भी गवाह है कि इन जैसा कई बार आया यहां से जो गया तुम कई बार गया। सर अच्छा जी, इंज दियां वेले कसां कसियां की दसां। इंज दियां वेले कसां कसियां की दसां, ना रोईयां ना अखां हसियां की दसां। अंबरों अगे उंज ते वेखदा रहना वा, रोटी तक ने सोचा फसियां की दसां। ये बात मुझको बहुत सताती है, सताती अरे है। वा, वा, वा। मैं उसे बुलाता हूँ वो नहीं आती, आती है, है। जिंदगी जबरे मसलसल की तरह काटी है, काटी है। एक मनाता हूँ और दूसरी रूठ जाती है। आसिया जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अंदर आ रही थी तो मैंने नोटिस किया, क्या कुछ हो गया आपके? जी मेरा पॉम फ्रैक्चर हो गया। ऐसे ये कैसे? बस हो गया। अच्छा हो गया, तो पैर फ्रैक्चर होने की वजह से आप सही नहीं चल पा रही थी जी, तो ये तो बिल्कुल हुकूमत वाला हाल हो गया आपका। नहीं सर, लोगों दी बद्दुआवां लग गई। देखिए पाँव मेरा फ्रैक्चर हुआ, ठीक है, ठीक हो गया, लेकिन ये कहें पीटीआई वाली हूँ ना कि 3 महीने बाद उठ के खड़ी होगी, तीन जगह से टूटी हड्डी, नेल प्लेटिंग हुई, सर्जरी हुई, लेकिन 3 बार बाद उठ के खड़ी हो गई। अब इनसे पूछे ना कि इनके मियां साहब की तो अभी तक प्लेटें ठीक ही नहीं हुई, जाके बाहर बैठे। फिक्र ना करें मियां साहब, इनका इलाज करने के लिए इंशाल्लाह इसी माह वापस आ रहे हैं। तो डॉक्टर बन के बात नहीं कि जनवरी 2022 के अंदर ये होने लगा है जी इंशाल्लाह। मियां साहब पहले से उनकी हेल्थ कुछ बेहतर है और पार्टी के अंदर हमारी बात चल रही है। अच्छा। इंशाल्लाह मियां साहब वापस आ रहे हैं। वैसे अगर ना आए तो फिर क्या होगा? नहीं इंशाल्लाह आएंगे, वो क्यों नहीं आएंगे, उनका मुल्क है। उनको तो पहले भी 2 बार निकाला गया, फिर वो वापस आए और अब भी इंशाल्लाह वापस आएंगे। ताहिर भाई अभी निकले हुए हैं ना, पहले आ तो जाए ना, निकलना तो दूर की बात है। लेकिन मियां साहब फिट इतना हो गए ना, उनसे पैदल भी आ सकते नहीं। यार तुम ऐसा ना करो, वो पहले आपस में, मैं इतने आराम से तमादारी कर रहा था, बीच में आपने पकड़ के सियासत डाल दी। इनसे राय नहीं जाते, इन्होंने हर चीज में सियासत करनी होती, बजाय पूछते कि बहन क्या हुआ है, ठीक है, लेकिन नहीं आते ही जुगत तो करानी है ना। ये आपकी आदत कब जाएगी मियां साहब?
ये तो खून में रच चुकी है, ये कहां से जानी है? नहीं जानी है, नहीं ये मुश्किल है। असिया भाजी कहंदे कि मैनू सट लग गई मेरी लत ते, कहंदे खैर है तुम तुसी कड़ा गोल करना हुंदा। वैसे आपकी मुलाकात रहती है इनके साथ पंजाब असेंबली? जी बिल्कुल। तो कैसे हैं ये वहाँ पे असेंबली में, वहाँ भी ऐसी हरकतें करते हैं यहाँ बेहतर हैं? बहुत अच्छे हैं, बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं सबको, यानी कि जो चंद एक पीएमएलएन के हैं जो ख्वातीन की भी रिस्पेक्ट करते हैं और मेल की, उनमें से ये अगर ये देखे, मैं नोटिस किया कि हर बार जो भी खवातीन आती हैं वो आपके बारे में ये हमेशा जरूर कहती हैं। देखिए वासे चौधरी साहब, असेंबली के अंदर जिस काम के लिए आपको अवाम ने भेजा होता है, अगर वो काम आप सही तरह से परफॉर्म कर रहे हो तो फिर लोग आपकी तारीफ करते हैं। तो असेंबली के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले टन्योर में भी, इस टन्योर में भी मैंने अवाम की नुमाइंदगी का हक अदा किया है और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा असेंबली की कार्रवाई का हिस्सा बनूं और जो पब्लिक के इश्यूज हैं उनको उजागर करके हकूमत की आंखें खोलूं। लेकिन मसला ये है कि ये हकूमत इतनी बेहिस है कि ये आंखें खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। इनको जो भी इशू बताते हैं ये उसका उल्ट लेते हैं। और मेरा ख्याल है कि बेशुमार बेशुमार मेरी तहरीकें हैं असेंबली के फ्लोर पर, बेशुमार मेरे सवालात हैं महकमों की कारकर्दगी के बारे, जो मेरे यहाँ पर नौजवान स्टूडेंट्स बैठे हैं इनके लिए मैंने आवाज़ उठाई कि खुदा के लिए जो गरीब स्टूडेंट हैं उनकी स्कॉलरशिप को बहाल किया जाए। आपने 50% जो स्कॉलरशिपें हैं वो ख़त्म कर दी हैं, उसकी वजह से एक गरीब किसान का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा, एक ऑटो वाले का बच्चा जो है वो फीस नहीं दे पा रहा। हर हकूमत जो होती है वो बच्चों के सर पर हाथ रखती है, ये पहली हकूमत है जो बच्चों के सर से हाथ उठा रही है और बच्चों को सड़कों पे एहतजाज के लिए मजबूर। बच्चों के सिर तो हाथ चुके हैं, सर का हाल भी देखो ना की हो गया। देखिए ये बात ठीक है कि ताहिर भाई का सबसे ज्यादा बिजनेस होता है। अच्छा। असेंबली में सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं के होते हैं, एक ए हैं और एक वो और इनके कोलीग हैं साहिवाल से, उनका होता है। लेकिन इनका जो ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेट होते हैं इनके अपने दौरे हुकूमत में जब हो रहा होता था ना। अगर इनसे कहा जाए ना कि ये जो आप गिला कर रहे हैं ये उस वक्त का है जब आपका अपना हुकूमत का दौर चल रहा था, अब हमने तो उसमें नहीं कुछ किया, हम लोग तो उसको बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। बहुत सारी अब ये स्कॉलरशिप्स की बात करें, दे रहे हैं स्कॉलरशिप्स भी दे रहे हैं, अब आपने देखा होगा हेल्थ कार्ड भी दे रहे हैं। हेल्थ कार्ड वाले तो पता है, मैं स्कॉलरशिप का वैसे मैं चैलेंज कर रहा हूं, मोहतरमा स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि 50% पूरे पंजाब के मजदूरों को, बच्चों को इन्होंने स्कॉलरशिप से इन्होंने महरूम कर दिया। किसी भी यूनिवर्सिटी में देख लें आप कि 50% जो स्कॉलरशिपें थी वो ड्रॉप कर दी गई हैं, उन बच्चों को आज तक पैसे नहीं मिले। एमपीए के पास या एमएनए के पास क्या ताल्लुक बनता है किसी तालिबे इल्म का कि वो आके टेलीफोन करवाता फिरे कि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए? हमारे पास भी आते हैं बच्चे, मुझे भी कॉल्स आती हैं क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल की भी सिंडिकेट मेंबर हूँ, एरिड यूनिवर्सिटी की भी हूँ, हमें भी करते हैं। आप यकीन करें कि जब उन बच्चों के मार्क्स देखे जाते हैं और सारा कुछ, वो उस पर फॉल ही नहीं कर रहे होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर गरीब, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो वाकई डिज़र्विंग होते हैं स्कॉलरशिप के लिए और उन्होंने पीछे से नंबर भी लिए। अब कई बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं कि जो मेरिट पर भी नहीं आ रहे होते और वो कहते हैं कि जी हमें एडमिशन दिया जाए और अगर नहीं बन रहा हमें स्कॉलरशिप भी साथ दी जाए। इवन आप यकीन कीजिए कि मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है चकवाल में, उस पर हमें आई हैं कॉल्स आई हैं कि जी फलाने बच्चे को जी फलाने में एडमिशन दिलवाया जाए। पिछले दौरे हुकूमत में तो जी हम कहते थे हमारे बच्चों को मॉर्निंग में दिया जाता था। मैंने खुद स्पेशली हमारी जो कॉलेज की प्रिंसिपल हैं वहाँ पे गर्ल्स कॉलेज की, डिग्री कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की, उनको कहा था मेरा छोड़ अगर इवन मिनिस्टर साहब के मेरे भाई हैं राजा यासर, मैं कहा अगर उनकी भी कॉल आएगी तो आपने किसी को सिफारिश पर नहीं देना एडमिशन। और आपने ये भी नहीं देखना, कुछ लोगों ने हमें ये भी कंप्लेंट्स की, मेरे खुद कॉल्स आई कि जी हमने पीटीआई के लिए बहुत काम किया है, मैडम मेरी भांजी के इतने नंबर आए हैं तो आप उसको दें। मैंने कहा भैया जितना तुमने पीटीआई के लिए काम किया था अपनी भांजी से कहते इतना वो पढ़ाई में भी काम कर लेती तो आज तुम्हें सिफारिश की ज़रूरत ना पड़ती। हम इस चीज़ से बालातर हो कि हमने नहीं देखा कि ये बच्चा पीटीआई से बिलोंग करता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं इसके पेरेंट्स या पीएमएलएन से। हमने उनसे कहा कि आपने मेरिट पर देना है और ऐसा ही हो रहा है, हमने किसी की सिफारिश अच्छी बात है, हमने इस चीज से बालातर हो कि हमने खुद स्नब किया अपनों को। ऐसा भी तो गुड पॉइंट है ना। लेकिन ये कोई बात नहीं है,
आते हमारे पास भी आते। मैं अपनी बहन से कहना चाहूंगा कि अभी चोट लगी हुई है, खुदा के लिए सच बोल लें। जितनी मैडम साहबा ने चीजें गिनवाई हैं, इनमें से अगर आप दो बातें मुझे सच निकाल के बता दें। देखें, लैपटॉप हमारी हुकूमत का कारनामा था, पूरे जो हमारे पंजाब के बच्चे थे जो डिग्री होल्डर्स थे, तमाम को जब डिग्री मिलती थी साथ लैपटॉप दे दिया जाता था मेरिट पे, किसी एमएनए, किसी मिनिस्टर, किसी वजीर आला की सिफारिश पर नहीं, मेरिट पे। उसके अलावा आप देखें कि स्कॉलरशिपों का जो मैडम साहबा ने अभी फरमाया है कि हमारे पास भी लोग आते हैं, हमारे पास भी काले आती हैं, भाई हमारे पास क्यों आते हैं, अदारे किस लिए बनाए हैं? जब आप अदारों को मजबूत नहीं करेंगे, मुझे ये बताएं तो फिर लोग तो हमारे पास आएंगे। नेक्स्ट बात यह है कि स्कॉलरशिप जो है वो पूरे पंजाब के अंदर हायर एजुकेशन की 50% जो स्कॉलरशिप है वो ड्रॉप कर दी गई है, उसके पैसे ही नहीं मिल सके हायर एजुकेशन को। अच्छा। जो इनके हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं जिनका ये क्लेम कर रही हैं कि मेरे भाई हैं, बिल्कुल मुझे ये बताएं कि जब वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके कहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर देखूंगा। पंजाब वो वाहद सूबा है जो टैक्स भी पूरा देता है, पंजाब का मजदूर जो है वो भी बिजली का बिल देता है, पंजाब का मजदूर एक्साइज का टैक्स भी देता है। जब सारे टैक्सेस पंजाब के मजदूर या पंजाब की आवाम देते हैं तो फिर क्या उनका ये क्लेम नहीं बनता? अभी एक नया स्कैंडल निकल रहा है कि जो फैसलाबाद में इन्होंने 4 अरब रुपए के करीब पैसे इकट्ठे किए थे फैक्ट्रियों से जो इनकी सोशल सिक्योरिटी के मद में, वहां पर जो जहेज फंड, जो गरीब बच्चियों को जहेज फंड दिया जाना था, वासे चौहरी साहब ये किस मुंह से बात करते हैं? ये तो उन बच्चियों को जहेज फंड के पैसे नहीं रिलीज कर सके जो अवाम से पैसा वसूल कर लिया था, वो इनकी जेबों में चला गया है। इंशाल्लाह वो टाइम आ रहा है, हम इनका बिल्कुल एहतसाब करेंगे। अब वक्त आ रहा है, इनको पता चलेगा कि इनकी कौन कौन सी गलतियां थी और कहां कहां पे इन्होंने अवाम की जेब पे डाके डाले हैं। इनसे चीनी के डाके का भी हिसाब होगा, इनसे आटे के डाके का भी हिसाब होगा, इनसे बिजली चोरों का भी हिसाब होगा। ये तमाम की तमाम जो कैबिनेट है ये इंशाल्लाह एहतसाब के दायरे में आएगी। एक बंदे ने मेरा मोबाइल खोया था साहब, इन्हें कोई लाना नहीं। मियां साहब आपस की बात है, आप तो एकदम डराने शुरू हो गए उनको। नहीं सुने ना, नहीं मैं नहीं डरती। अभी इन्होंने कहा कि जी इनको बीबी चोट लगी है, खुदा का खौफ करें। आप इतना झूठ बोल रहे हैं, आप भी खुदा का खौफ करें। मैं तो फिर खड़ी हो गई हूँ, आपके तो मियां साहब अभी तक नहीं खड़े हुए। मियां साहब इनको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा के लिए कोई कारकर्दगी दिखा दो। ना खुद करेंगे, दो अश्कबारी का हुक्म जारी है, रो रही कौम ये बेचारी है, देखना चाहते हैं सड़कों पे, फिकर किसको पड़ी हमारी है, ओपोजिशन में और हकूमत में जारी लफ्जों की गोलाबारी है। आहो आहो वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मियां साहब ये बताएं, आप तो ओपोजिशन में हैं और आपने इससे पहले हुकूमत भी की है, तो लोगों की नजरें तब्दील होती हैं या रवैये तब्दील होते हैं ओपोजिशन में जब होता है इंसान? चौधरी साहब मैं आपको ये बात यकीन से कहता हूँ कि अल्लाह के फजल से जिस तरह पहले लोग इज्जत देते थे अब उससे भी ज्यादा इज्जत देते हैं, क्योंकि हम ओपोजिशन में बैठे हैं। लोग जो हैं वो हमारा ख्याल करते हैं, लोग कोशिश करते हैं कि हमें किसी इम्तिहान में ना डालें, क्योंकि लोगों को पता है कि हुकूमत जो है वो हमारे मुखालिफ है। और 3.5 साल तो आपको पता है इन्होंने चोर डाकू में गुजार दिए। अब ये गरीब आवाम बेचारी देखें कि उसका हाल क्या हो चुका है। सबसे बड़ी बात है आप ये देखें जरा अकरम भाई को, ये इनका हाल देखें, इसी तरह इधर लोगों का नहीं ताड़ी को मस्जिद में एडिटर रखे थे ना। देखिए वासी चौधरी साहब, असेंबली के अंदर मैंने कोशिश की है कि जो अवामी मसाइल हैं उस पर बात करूं, मैं हुकूमत को बावर करवाऊं कि ये हमारे मसाइल हैं, ये महकमों की कारकर्दगी है, ये रिपोर्टें हैं, ये ऑडिट रिपोर्टों का ये रिजल्ट है, वो मैं पेश करता हूँ असेंबली के अंदर, कोशिश करता हूँ इनको जगाने की। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा है कि ये हुकूमत, मैं ना मानूँ कि ये पहली हुकूमत है कि जो गलत बात देखते हुए भी ये हुकूमत जो है ये आंखें चुराती है, डिटाई के साथ ये कहते हैं कि नहीं हम ठीक कर रहे हैं। अच्छा, जबकि आप देखें कि अगर ये ठीक कर रहे हो तो अवाम का ये हाल ना हो जो हाल हो चुका। नार भाई ने एक बार स्पीकर साहब ने असेंबली जो बाहर करता है, उन्होंने कह रहे मैं आज बड़ा खुश है तो डांस करके वहां
आपने सही कहा कि जहाँ पे गलती हो वहाँ पे तो आपको माननी चाहिए आसिया जी चाहिए। तो इससे मुझे याद आया कि वो पिछले दिनों एक ऑडियो मैंने आप लोगों की सुनी थी, वो उसके अंदर बड़े जबरदस्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे सहाफियों के लिए, तो वो सर क्या मामला था? देखें, वो जो मैटर है वो बिल्कुल फोन टेप किया गया है, किसी ने उस टेप को चलाया है जी। अब भी जब तक उसका कोई फॉरेंसिक नहीं होगा, बात सुने, वो आपकी लीडर जो है वो कह चुकी है कि मुझे ये बताए, मेरी आवाज है मगर मुझे ये बताए कि उन्होंने कहा कि टेप क्यों किया, वो टेप करें तो ठीक है ये करें तो ना 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 एक मिनट, मगर मुझे ये बताएं कि टेप तो सही थी ना? जब तक उसका फॉरेंसिक नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। आप नहीं कह रहे, और जिनकी टेप थी उन्होंने कह दिया कि मेरा सवाल ये है कि मेरी टेप क्यों की गई? इसका जवाब फिर वही दे सकते हैं कि ठीक है या गलत है। नहीं ठीक है गलत नहीं, मुझे ये बताएं अगर वो टेप जो कि मैं आपको जुमला दोहरा रहा हूं जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले मुझे बताएं कि मेरा फोन टैप क्यों किया गया, जिसका मतलब है कि आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये आपकी आवाज है जो टैप किया गया। उन्होंने कहा कि पहले मुझे ये बताएं सर, अभी ये साबित उन्होंने ये नहीं कहा कि पहले मुझे ये बताएं कि अशफाक का फोन टैप क्यों किया गया, उन्होंने कहा पहले मुझे ये बताएं मेरा फोन टैप क्यों किया गया। तो मतलब है कि मेरी ही टेप थी। इस बहस से आपको निकालता हूं। देखें, जिसने भी टेप की है या जिसने भी ऐसी बात की है वो गलत है। अदारों को अपनी हदूद में रहना चाहिए, इस तरह किसी की प्राइवेसी को इस तरह डिस्टर्ब करना, चाहे वो मेरी पार्टी से हो। यहाँ पर 22 करोड़ आवाम को जो हाल करके रख दिया है वो आपको नजर नहीं आ रहा, आपको एक टेप नजर आए। मैंने इस बात को तस्लीम किया है कि जो भी काम गलत होगा किसी की प्राइवेसी को, सर प्राइवेसी नहीं, किसी को गाली निकालना गलत है या नहीं? किसी को गाली निकालना भी गलत, बस ये सुनना ये प्राइवेसी के ऊपर तो कोई डिबेट ही नहीं है कि वो किसी की भी हो वो गलत है। वही ना हुआ, आप कह रही थी कि आए कुछ और बात करते हैं, तो ये बताएं कि महंगाई का क्या हाल है? बताती हूँ आपको, बताती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि क्या सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई हुई है? नहीं, पूरी दुनिया ये में कोविड की वजह से पूरी दुनिया में हुई है, पाकिस्तान में तो पूरी दुनिया की निस्बत बहुत कम हुई है। पूरी दुनिया में सानू आके ते भी पासपोर्ट ते वीजा लवा दे, असी उठो चीजा लेके। हां, एक तो ये भी है कि पूरी दुनिया में और मैडम चीजें बहुत सी होती है, बहुत फैसिलिटीज और होती है, वो पाकिस्तान में नहीं है। तो हम पाकिस्तान के हिसाब से बात करते हैं, तो पाकिस्तान के हिसाब से कम हुई है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, साउथ कोरिया के अंदर एक शिप का डिजास्टर हुआ था 2014 में, उनके प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया था उसके ऊपर, ठीक है, इट वॉज एन एक्सीडेंट, एक क्रूज शिप का हुआ था तो उसका इस्तीफा दिया था। पाकिस्तान में तो ये भी नहीं होता, तो फिर जब पाकिस्तान में ये वाला नहीं फॉलो करे तो फिर हम आपका वो वाला एग्जांपल को फॉलो करें कि बाहर इतनी महंगाई है। नहीं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हुई है ना वासे, आप माशाल्लाह अब आप पढ़े लिखे बंदे हैं, अगर आप ऐसी बात करें। नहीं, सब इंग्लिश सीख के बैठा हूं यहां पे, इसका मेरा पढ़े लिखे होने से कोई मतलब नहीं है। बात सुनने, बात सुनिए, मुझे एक बात बताएं, आपको याद है कि आपकी मेरी पहली मुलाकात कहां हुई थी? मेले दे तो वोट जी, आप बताइए। आपकी और मेरी पहली मुलाकात हुई थी 2018 में। कहाँ पे हुई थी? शारा 90 पे। और क्या था वहाँ पे? एक फंक्शन था, फंक्शन था, शोबिज वाले आए, शोबिज वाले थे जी। और मुझे याद है कि मेरी सीट जो थी वो तकरीबन कोई इस तरफ मेरे 7-8 विमेन एमपीएस बैठी हुई थी जी। और बिल्कुल कोई अक्टूबर होगा मेरे ख्याल से, भी डेढ़ महीना भी नहीं हुआ होगा पंजाब गवर्नमेंट बने हुए। आपको याद है कि वो 7-8 खवातीन बातें क्या कर रही थी? क्योंकि मैं सबसे करीब था इसलिए मुझे ये आवाज आ रही थी। वो मुझे बाद में पता चला किसी ने मेरी नेम प्लेट उठा के ना इधर कर दी, तो वो जिसने की थी वो तो ले गए मेरी मेरी सीट ले गए, मैं खवातीन सेक्शन में बैठ गया। उसके बाद 7-8 एमपीएस थी मेरे साथ। आपको याद है उन्होंने बातें क्या की थी? नहीं, वो मुझे नहीं याद, क्योंकि मैंने अपनी हंसी इसलिए कंट्रोल की हुई थी कि मेरे साथ सीएम साहब की सीट थी और उनके बिल्कुल ऑपोजिट अंजुमन साहिबा बैठी हुई थी। आपकी सीट सीएम साहब के साथ थी? हाँ, एक छोड़ के साथ। आप मुझे सीएम समझ रही हैं? आपकी सीट मेरे साथ थी। रिकॉर्ड में वो तस्वीरें भी मौजूद हैं। अच्छा। कि मेरे साथ जो 7 खवातीन थी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अंजुमन साहिबा और सीएम बुज़ार साहब की सीट बिल्कुल आमने सामने थी। और जो कॉन्वर्सेशन उस दिन मैंने विटनेस की थी, जो मुझे आज भी याद है, जिसका मैंने कभी जिक्र नहीं किया और ना मैं ऐसा करूंगा, वो एक मेरी जिंदगी की सबसे इंटरेस्टिंग तरीन कॉन्वर्सेशन थी। जो उन 7 खवातीन ने कॉन्वर्सेशन करके कमेंट्री चल रही थी मेरे यहाँ पे, क्या कह रही थी वो मैं नहीं बताऊंगा आपको। मसला ये है, ये पता नहीं किस दुनिया से यहाँ पर आकर मसलत हो गए। अच्छा, मसला ये है कि ना इनको महंगाई नजर आती है, ना इनको आवाम नजर आती है। इनसे बात करो तो ये अमेरिका की बात करते हैं, इनसे बात करो तो ये चाइना की करते हैं, कभी ये जापान की करते हैं। इनके लीडर की आप बात सुने तो वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, कैमरों में अक्सर ये चलती रहती हैं उनकी बातें, वो कभी किसी की सरहद किसी से मिला देते हैं। इसी तरह मेरी बहन भी अब
कह रही है कि महंगाई तो है नहीं। भाई महंगाई का मैंने पूछना है तो कि महंगाई नहीं है, महंगाई है। हम ये नहीं कह रहे कि महंगाई नहीं है, महंगाई है और उसको कवर करने की कोशिश भी कर रहे हैं जिसमें आवाम ने भी हमारा साथ देना है। आप कैसी बातें करते हैं, आप तो सारा दिन होते हैं अपने दफ्तर में, मैं अपने घर की ग्रोसरी खुद करती हूँ। मुझे भी पता है जब इनका 300 रुपए किलो टमाटर मैं खुद लेके आती हूँ मियां साहब के दौरे हुकूमत की। जो महंगाई की सतह है, हाँ जी, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कारकर्दगी नाअहली की वजह से जो अवाम परेशान है, आप देखें कि घी का रेट 400 रुपए किलो हो गया, पता है आपको इस बात का जी। पेट्रोल का रेट 146 पे चला गया, पता है आपको इस बात का? नहीं तो पेट्रोल क्या, मुझे ये बताएं दालों का रेट, दालें जो हमारे दौर में 60-70-80 रुपए किलो तक होती थी, आज वो 250 रुपए किलो क्रॉस कर चुकी है, 350 रुपए किलो तक जा रही है। मुझे ये बताएं क्या गरीब आदमी ने चारा खाना? आटा आप देखें 35 रुपए से उठा के आपने 80 रुपए पे बचा दिया है। ठीक है तो हम आपको अगर क्या पता किस चीज की आप ग्रोसरी करती हैं, मुझे ये बताएं। मेरी बात सुने ताहिर भाई, आप बात जो है ना आप घुमा फिरा देते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप लोग बाहर से कर्जे लेके इधर सस्ता कर देते थे, वही हम जो है कर्जा उतार रहे हैं सूद समेत आपके लिए। मैं ये बात दावे से कह रहा हूँ, चैलेंज करें, चैलेंज करें, दावे से और चैलेंज के साथ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। मोबाइल में मेरे डॉक्यूमेंट्री मौजूद है, अभी अभी हम निकाल लेते हैं पंजाब गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट्री, देख के निकालिएगा। मैं इनको दिखा देता हूँ, आपके भी पास मोबाइल, मैं इनको दिखा देता हूँ जो इनकी वजारत खजाना की जो कारकर्दगी रिपोर्ट इस दफा जारी हुई है, जो इनकी प्राइसेस जारी हुई है, जो इनकी प्राइस कंट्रोल कमेटियों ने खुद जारी किया है, वो इनसे पूछ के देखें कि वहां पर कितने परसेंट महंगाई हुई है। क्या आपने किसी मजदूर की तनख्वाह 15,000 से उठा के 30,000 की है? अच्छा नहीं, तो आपने भी नहीं की थी। हमने की थी, इतनी नहीं की थी सर, ना सर, ना इतनी नहीं। हमने देखे हम 5.8 पे छोड़ के गए थे, आपने एहसास प्रोग्राम शुरू किया? बिल्कुल किया, बिल्कुल। बेनजीर इनकम सपोर्ट, हाँ, उसको एक्सटेंड कर दिया था आपने। देखें हमने और उसमें उसमें किनका था अपने ही अफसरों को उसका नाम तक चेंज नहीं किया, उसमें बेनजीर इनकम सपोर्ट का नाम तक हमने चेंज नहीं किया। हम इन जैसे सिर्फ इश्तेहारी काम नहीं करते, हमने अवाम को मोटरवे बना के दिखाया, हमने अवाम को नए एयरपोर्ट बना के दिखाए, हमने पंजाब का फार्म टू मार्केट रोड बना के इनको दिखाए। पूरे जो हमारे जो बड़े डिस्ट्रिक्ट थे पंजाब के, उनके अंदर हमने मेगा प्रोजेक्ट्स, नए अस्पताल बना के दिखाए, नए कॉलेजेस, नई यूनिवर्सिटियां। मुझे ये बताएं किसी 3 यूनिवर्सिटियों का नाम बताएं जो इनके पंजाब में बनी। आप यहीं पे रुके एक मिनट, आपके मैन चैलेंजेस से बहुत तंग हूं, आप बताएं आपके जी। मैं करता हूं ना अभी चकवाल यूनिवर्सिटी, ठीक है अभी मैं देखें नमल यूनिवर्सिटी भी पहले की है। नहीं, आप नमल यूनिवर्सिटी भी काउंट होगी। नहीं नहीं, अभी उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। नहीं, यूनिवर्सिटी का दर्जा गलत बात है। देखें अभी मेरी कमेटी से पास हुई है, इन्होंने जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थी, हाँ जी, उनका बिल इन्होंने जल्दी जल्दी में पास करवाए हैं, उनके 6 बिल एक दिन में। गलत बात कर रहे हैं चौधरी साहब, 6 बिल जो है वो एक दिन में पूरा बिजनेस बुलडोज करके इन्होंने बिल पास करवाए हैं, क्या उस गुनाह में ये शामिल नहीं है? बताएं नवल यूनिवर्सिटी तुसी बनाई, नवे ताले थे उन्होंने लगवाए हैं। मैं आपको बताती हूँ, एक्सटेंशन ऑफ पीफ प्रोग्राम फॉर नीडी एंड जो थे बच्चे मेरिट पे उनको दिया गया। इनके दौर में वो FSC तक थे, हमने उसको PhD प्रोग्राम पे कर लिया। एहसास राशन प्रोग्राम हमने दिया। ये मोटरवे की बात करते हैं, इन्होंने अपनी जेब से बनाई थी, आपका मेरा इनका पैसा था, ठीक है। और यही तो हम कह रहे हैं कि इनका पैसा अपनी जेबों में ना डालें, इनका पैसा इन पर लगाएं। Good, how are you? You know, last 3 days, 24 hour day night, I was in arrival lounge at Allama Iqbal Airport, Lahore. क्यों? Because somebody told me that कि मेरे कायद नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, मैं क्या सब तो पहले मैं उनके दर्शन करूंगा। अच्छा, हाँ, मैं कह जब आ जाएंगे तो फिर तो यहाँ टोल धरने की जगह नहीं होगी, इतनी पब्लिक होगी यहाँ पे एयरपोर्ट से लेकर काला शाह काकू तक, काला शाह काकू से लेकर फैजपुर इंटरचेंज तक। अच्छा, वहाँ से चूनिया तक सारी शहर होंगे, मैं तो अपने कार्ड को देख भी नहीं सकूंगा। और लोग जो फूल फेंकेंगे, नोट फेंकेंगे, वो सारे मैं चुक लूंगा। बट उस स्कूटी वाले ने मैनू फड़ लिया। अच्छा, हाँ, मैं ना वो करीन के थले वरिया होया सी, उन्होंने लत्त तो फड़ के करीसिया, करीस के हल्का जहा इंज नहीं किया, इंज करके इंज कंध जमा लिया, हल्का जहा पटाका वजा
नवा तरीका। हाँ उन्होंने कहा व्हाई यू आर हियर, मैं कहा मेरे लीडर आ रहे ने। अच्छा। कहने ने व्हेन, मैं कहा ये तो मैं किसी ने पूछे ही। फिर मैंने याद आया कि तुहाडे कोल गेस्ट आंदे ने। हाँ। मैनु ना एग्जैक्ट डेट ले दियो। एग्जैक्ट डेट तो नहीं, वो हमारे पास आए हैं उनकी पार्टी को कह रहे हैं। यू डोंट सर, आई लव दिस। अगले महीने आ रहे हैं, अगले महीने आ रहे हैं। मैं कहा जी इन्हां नूं मुबारक दियो, जड़े अंग्रेज बाहरों साडे पाकिस्तान काम करन आने से पहला आ गया जी, मुबारक दियो इन्हां नूं। अंग्रेज आ गया मियां फिर भी नहीं आए। मिया जदू आएगा लग पता जाएगा। मिया जदू आएगा सीधा जेल जाएगा। हमने पहले भी जेलें काटी हैं। आपके लीडर की तरह दीवारें फलांग के नहीं भागे, पहले भी जेलें काटी हैं। चलिए जेलें कटिए जानते सा बीमार हो जानते हो, प्लेटां तले डिग जाते हैं। वो तो इंसान, अब आपके साथ ये इशू बना है तो इसमें कौन सी ऐसी बात। मैं तो मुल्क छोड़ के नहीं भागी, मैं तो इधर ही हूँ। जादू कौन आएगा? वो चंपा के जी मियां सब नू बुलाओ, मियां दे नारे बोलने। वो चंपा मेरे लीडर ग्रेट जदों दे बाहर गए ने, राज की रोटी नहीं खाती। ये तो नू अभी रोटी खवाने नहीं पाती जे ने। माई लव इमरान खान। नहीं मैं के देखो इहदा मतलब तुहाडा रोटी खान दा प्रोग्राम नहीं हैगा। गरीबां दा ख्याल सानू ही आ, होर किधर नहीं हैगा। मैं समझा तुसी कहना कि गरीबां दे पैसे साडे कोल ही आ। ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਜੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। यार बड़ी सर्दी है लंदन में। क्यों नींद रहा है? लंदन में सर्दी, एडी सर्दी, दो दिन रहा फिर से लंदन चले गए आप? आज मेरे यकीन करो जिस्म दे विच खून जाम हो गए। अच्छा, मियां साहब ने बुलाया सी ना। अच्छा, मेरी लव, मेरी जान, मेरे लीडर, मेरे कायदा के ने ना। अच्छा, कोई भी उन्होंने फील होवे कोई गल फौरन कॉल कर देने। ठीक है, इस गल ते मैं कुर्बान क्यों ना जावा। बिल्कुल। हां मैं बुलाया ने गया भजा भजा लंदन जाके ते सारा घर में लव ले। ठीक है, घर विच बंदो ही कोई नहीं लंदन में। हां जी ठीक है। मैं कह यार मैं बुला के किधर चले गए, फिर मैंने याद आ गया, मैं क्या बार बार कह रहे सन सारे भी पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं, मेरे ने किधर शरारत की थी ने। मैं इन्हें बुला के आप पाकिस्तान चले गए। इन्हीं देर में आवाज आई है आई बो छत तो। अच्छा। हाँ मैं के छत को बंदा है गया इन वाला छत थे मियां साहब छत थे एवन फील्ड की छत पे। एवन फील्ड की छत थे उत्ते। ठीक है। आप शेर अली साहब जिन वाला चरखड़ी ले के खलोते ने। अच्छा। मियां साहब हैं गुंडा दो खाला। अच्छा। आ मियां साहब ने चढ़ाया लंदन में फुल। ओहो। ते मैं करके मैं कहते परली नाला लगी छाते डार साहब डार इसाक डार साहब इसाक डार साहब वो दूसरे छत से कूद उधर उन्होंने ने लाइट दा मोटा पिन्ना लत्तां दे विच फसाया है। मियां साहब ने डार साहब दी गुड्डी कट दी। मारिया फिर मैं बबलिया ने डार साहब ने दूआ गुड्डा चढ़ा लिया। मियां साहब ने ऐ करके आ करके ना आ कुत्ता फेर कट दी।
कमाल गल की ने मैं सर गुड्डे फिर किन्ने कटाओगे कहने पिछे बड़ा माल पे है नो प्रॉब्लम किन्ना कट लैन गे ठीक है मैं सर वो तो मैंने भी पता भी पिछे बड़ा माल पे है किन्ना कट लैन गे कराची तो बुलाया ने डॉक्टर दे रोल वास्ते अच्छी गल तो नहीं ना क्यों जबकि उन्होंने पता भी मियां नवाज शरीफ साहब उत्थे मौजूद ने बजट घट पैना सी मैनू दे दे डॉक्टर दा रोल मैं ऐसा कमाल दा करा दुनिया नूं पता लगदा वी डॉक्टर की होंदा है मियां साहब डॉक्टर के रोल में हां जी अच्छा मैं कह सर वैसे आपस दी गल नाराज ना होना ते ना किसे नूं दसना हां डॉक्टर दे रोल दे विच तुसी नहीं जचना सी क्यों क्योंकि इन्ने अरसे दे विच ना तुहानूं जिस गल दी प्रैक्टिस है तुहानूं ओ रोल करना चाहिदा मतलब कहंदे मैं कह सर तुसी मरीज दा रोल करो सामने पौड़िया ने निकल जा फिर निकल आया लो बाजी आसिया और यूसुफ खान साहब केड़ी फिल्म की शूटिंग हो रही यूसुफ खान नहीं अपने इलाके खिदमत करते क्योंकि सारे रिश्तेदार सारे हीरो कहते हीरो वेला आटा नहीं लिया के दिता लेकिन आसिया बाजी इस वे गवर्नमेंट च ने yes. बाजी के चेहरे से तुसी 24 घंटे देखना मुस्कुराहट रहेगी yes. 5 साल घबराहट भी आई काम किया बड़ा अच्छा जी इलेक्शन दे विच बाजी का चेहरा है ही मुस्कुरांदा होया चेहरा बाजी हार भी जान तो मुस्कुराणगे अच्छा जी 1.5 साल बाद तुसी देख लेंगे बाकी तार जमील साहब की भी क्या बात है हकूमत की 30 साल क्या बात समझ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी रुखमा ने हमें ज्वाइन किया ये पहली बार आपसे दोनों से मुलाकात रुखमा आप क्या महसूस कर रही हैं आपकी तो पहली मुलाकात है इन लोगों से मैं पढ़ना नहीं चाह रही आर्गुमेंट में भी मेरी ना सकती आ जाए वो तो यार बेचारी डरी बैठी है कि पता नहीं की होन लगा नहीं नहीं बेटा हम लोग बहुत अमन पसंद है ऐसा कुछ नहीं होगा बिल्कुल ये तो ऐसे ही एक रेगुलर उनका एक है आपस का मजाक का वो चलता है बेटा ये लोग आदत से मजबूर हैं ये जब हुकूमत में थे तब भी ऐसे अब अपोजिशन इनसे हजम नहीं हो रही लेकिन मैं आपको बता दूं सबको कि इंशाल्लाह अगले 5 साल भी इमरान खान के ही होंगे इसी तरह लोते रहेंगे खबर क्या है मैडम आज की न्यूज लंदन से है जहां क्रिसमस के मौके पर बैंक की एक गलती ने लोगों को रातों रात अमीर कर दिया हुआ ये कि बैंक ने गलती से तकरीबन 75,000 अकाउंट्स में कुल 1,30,00,000 पाउंड जमा करा दिए और अब लोगों से वो रकम वापस वसूल करने में बैंक को काफी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ज्यादातर अमाउंट जो है वो दूसरे बैंकों में जमा कराए मियां साहब तो ही आ रहे उठे भी रौला पे आ गया जो पैसे अच्छा हमारे पास एक सेगमेंट है आवाम का सवाल तो कौन आवाम की तरफ से सवाल सबसे पहले पूछना चाहेगा जी आप जी मेरा नाम फरहान मलिक है और मेरा PMLN के जो गेस्ट हैं उनसे क्वेश्चन है जी कि सर इनके दौर में तो अब महंगाई ने बहुत ज्यादा असर दिखाया है अगर हम आपको मौका देते हैं आपकी हुकूमत लेकर आते हैं तो आप इस महंगाई को कैसे कवर करेंगे और इस पे कैसे काबू पाएंगे देखिए बेटा बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने
पहले भी अपनी कारकर्दगी के साथ पाकिस्तान को तरक्की की मंजिलों की जानब रवा दवा किया था। पंजाब के अंदर जितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं तमाम के तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में लगे। सबसे बड़ी बात कि जब पाकिस्तान अंधेरों में डूब रहा था तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क्यादत में अंधेरों को रोशनियों में बदला गया और 12,000 मेगावाट पाकिस्तान की तारीख में, आसिया बीबी सुन लें, पाकिस्तान की तारीख में 12,000 मेगावाट बिजली जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मेहनत की बदौलत ऐड की गई। लेकिन खुदा की कसम जितना बुरा हाल अदारों का, अदारों की पॉलिसियों का जो मैंने अब देखा है, खुदा की कसम मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का हाल पहले नहीं देखा। इसको हल करने के लिए सबको सर जोड़ कर काम करना होगा, सबको दिन रात मेहनत करना होगी, फिर जाकर जो नुकसान हो चुका है इसका अजाला हो सकेगा। अदरवाइज मुझे अजाला होता इसका नजर नहीं आ रहा। ये थे आपके सामने मियां ताहर जमील साहब, आप कौम से खिताब करेंगी बाजी आसिया जी। नहीं नहीं जी, आपका। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबाद मोहम्मद है और मेरा मैडम पीटीआई के साथ ये क्वेश्चन है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हर मरतबा कहते हैं कि अवाम को घबराना नहीं, अगर इतनी महंगाई के बाद अवाम ना घबराए तो फिर क्या करे? सबर सबर करो तुसी। सुकून कबर चा भाई जान, सुकून कबर चा। मियां साहब आप ना करें सवाल उनके लिए। जी मैडम। बेटा बहसियत कौम हमें जो है मुतहिद होना पड़ेगा। ये जो वक्त मुश्किल आया हुआ है ये सिर्फ हम पे नहीं पूरी दुनिया पे आया है, ये इस वबा की वजह से आया है। जब तक हम लोग मिल के मुतहिद हो के और सिर्फ ये दिमाग में रखें कि ये मुल्क हमारा है और इसको हमने आगे लेके जाना है, इसकी तरक्की में रोल अदा करना है, हम सबको मिल के यूनाइटेड होके इस मुश्किल वक्त को जो है वो उससे निकलना है। और जब तक कौम मुत्तहिद नहीं होगी उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि हम इस मुश्किल वक्त से निकल सकें। बात ऐड करना चाहता हूँ, कौम आपके साथ खड़ी है लेकिन आप अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें और आप अवाम को रिलीफ दें। अवाम आपकी तरफ देख रही है क्योंकि उन्होंने आपको एक मौका दिया था, अगर वो मौका आपने गवा दिया तो फिर सारी जिंदगी आपकी बारी नहीं आएगी। पाकिस्तान को पहली दफा दुनिया में जो पजीराई मिल रही है वो इस हुकूमत की वजह से मिल रही है। पाकिस्तान बहुत ऊपर जा रहा है, आपने ये नहीं देखा कि ऑल पाकिस्तान आसमान पे जा रहे हैं, गरीब आदमी मर रहा, बीबी रोटी मांग रहा, दाल मांग रहा, सस्ती बिजली मांग रहा, पानी मांग रहा। अच्छा ये तो आप लोगों का आपस का हो गया ना, मैं जवाब एक एक उनका है प्लीज। आप जी सवाल भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदील बशीर है। मेरा क्वेश्चन मैम आसिया से है कि नून लीग ने जो डॉलर की फ्लक्चुएशन को कंट्रोल किया हुआ था अपने दौर में, ये आपसे क्यों नहीं हो रही है? इन्होंने एक बजे सोना भी दस दिया डॉलर के बारे में सवाल कर रहे हैं। देखिए उस वक्त भी इतना कम नहीं था, एक मसनूई जो था वो रखा जाता था आवाम के सामने। उसी भी मसनूई रख लो जे सानू फिर कहते जी बोल दे क्यों यार, आपसे सवाल नहीं है यार, आपसे सारी गलत बात है। बच्चा सवाल कुछ कर रहा है, वो सवाल गंदम जवाब चना, उसको जवाब देने दे। देखिए वो है, मैं उसको जवाब दूंगी, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो मुझे बताएगा। जवाब जवाब दे नहीं हूँ। डॉलर के बारे में बताइए मैडम कि डॉलर जो है वो नीचे क्यों नहीं आ रहा? पाकिस्तानी आवाम हूँ, आप मुझे भी जवाब दे। तो बेचारे का डॉलर वहीं पे रह गए कि डॉलर मैडम। बेटा तुम डॉलर अभी जेब में डालो, इनको पहले मैं जवाब दे। जवाब ही नहीं हैगा। अगर बेटा अगर आपको सही जवाब नहीं दे पा रही हूँ, अगर आप समझते हैं, तो उसकी एक वजह ये हो सकती है कि भी मेरा वो जो है एक्सपर्टीज नहीं है उस चीज में। आप मेंबर पंजाब असेंबली हैं। मेंबर पंजाब असेंबली हूं तो आप जरूरी तो नहीं ना कहते हैं। बात यह है कि अगर वो कह रही हैं कि इस मामले में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है तो ये भी जस्टिफाइड है, आप हर चीज के बारे में तो नहीं जान सकते। बात यह है कि जो मेंबर पंजाब असेंबली होता है, हाँ सर, उसको एक किताबचा मिलता है जी, उसमें डॉलर के मामले में, वजारत खजाना के मामले में, तमाम वजारतों की जो रिपोर्ट्स होती हैं या जो पॉलिसी होती है वो उसमें दर्ज होती है। ताहिर भाई बात, हवाओं में बातें, आप कंटेनर में बातें, वो जितनी मर्जी इनसे करवा लो, कारकर्दगी इनकी जीरो है, जीरो। बात सही है, हवाओं में बातें, कंटेनर में बातें आप लोग करते हैं, व्हाट्सएप पे बातें आप लोग करते हैं। वैसे भाई देखें हेल्थ भी आती है उसमें। अब मैं डॉक्टर नहीं, आप बजाय इसके कि वो आपको ऐसा जवाब देती है जिसके ऊपर कोई और बात हो तो उन्होंने कहा कि मेरी नहीं है उस तरह एक्सपर्टीज। ये शुक्र के तुसी सास नहीं किसे दिए गए, बड़ी कपटी सास सी है। जेनेरिक रूल ये है कि डॉलर जो है इस वक्त वो ओपन फ्लोट हो रहा है, पहले जो इनके दौर में वो ओपन फ्लोटिंग नहीं थी जिसकी वजह से डॉलर को कंट्रोल किया गया हुआ था, अब इस वक्त डॉलर उस तरह कंट्रोल नहीं कर रहा, उसकी वजह जो भी है
कि वो आपका कॉन्ट्रैक्ट है IMF से फला फला फला, मगर जो बेसिक रूल है कि इस वक्त डॉलर जो है ओपन मार्केट फ्लोट खुद कर रहा है, उसको कहीं से कंट्रोल नहीं किया जा रहा जो पहले किया जाता था। डॉलर उठते जा रहा है थले के मिले हो गए, कहते मैं हेलीकॉप्टर से जाके ले आवांगा। चले जी, पहले सवाल किससे करें ये बताएं। लेडीज फर्स्ट। ओह लेडीज फर्स्ट उन्होंने कह दिया, आप एग्रीड है इस बात से मैडम? सब कुछ करके नाल ही लेडीज फर्स्ट। ले जी ये बताएं मैडम, आपने खाने के लिए कुछ स्पेशल बनाया है आज, इनमें से किसको टेस्ट करवाना चाहेंगी सबसे पहले? वो ऑप्शंस आपके पास हैं, राणा सनाउल्ला और मोहतरमा आजमा बुखारी। आजमा बुखारी। आजमा बुखारी। मैडम चांद पर जा रही हैं स्पेस रॉकेट में, दो सीटें हैं, किसी एक को साथ लेके जाएंगी, जिसको लेके जाएंगी वहीं रह जाएंगी, किसको लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं डॉक्टर फिरदौस आशिकवान और शीरी मजारी साहिबा। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान वहां पे रहेंगी। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, तीन लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि फ्लोर आ गया भाई। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राजा यासिर हमायूं, मियां असलम इकबाल और हाशिम जवाब अख्त। तो किसके साथ है सेल्फी? यासिर सरफराज। किसको स्माइल दे रही है? हाशिम जवाब। किसका फ्लोर आ गया है? मियां असलम इकबाल साहब का फ्लोर आ गया हुआ है। मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगा रही हैं। किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब एहसन इकबाल और जनाब शाहिद खाकान अब्बासी। एहसन इकबाल की देखी जा सकती है। अंदरों खुशी नाल कह रहे जी। एहसन इकबाल साहब बेशक PMLN के होंगे, लेकिन वो पाकिस्तानी सियासतदान तो है ना, हमारे भाई हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बस ठीक है, बिल्कुल। खाकान अब्बासी साहब कड़ा हिंदुस्तान दे, वो भी पाकिस्तानी। उनकी मर्जी है, आप ये सब आप देख। मेरा कार, मेरी मर्जी, मेरी मजबूरी। मैडम ये बताए, टाइटैनिक पर जा रही है, दो VIP पास है, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जाना है, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी। ये बताइए मैडम के डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं राजा यासिर और जनाब उस्मान बुज़दार। यासिर जो है वो बहुत अच्छा स्विमर है, तो मेरे ख्याल ये आपको लगता है बुज़दार साहब बेस्ट स्विमर है, आपकी सोच है, मैंने देखा हुआ क्या कमाल स्विमिंग कर रहे हैं। तो आप बताएं किसको दे रही है? ओलंपिक जीते ने किन को? CM साहब को, उस्मान बुज़दार। ओए CM साहब ले गए हैं राजा यासिर साहब, चकवाल काम नहीं आया आज। ओए होए ठीक है, कर करो उन्होंने CM नु ने किधर डबोता। आपको क्या फिक्र है, वो उनकी मर्जी है, जो मर्जी करे। सर आप बताइए सर, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, तीन लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं मोहम्मद शोएब इदरीस, राणा सनाउल्ला और जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब को स्माइल दूंगा। सेल्फी किसके साथ ले रहे हैं? शोएब इदरीस के साथ। और किसका फ्लोर आ गया? ये तीसरा कोई नाम आपने लिया, जानी दोस्त आपके, तीसरा नाम आपकी पार्टी का नाम है, सदर जदर भी है पंजाब के शायद, ये कोई राणा सनाउल्ला। हाँ जी तीसरा उनका, राणा सनाउल्ला साहब उनका फ्लोर आ गया है ना। अच्छा आपको नाम भी नहीं याद था राणा सनाउल्ला को? सर बड़ी बात है ये। सर ये बताएं चांद पर जा रहे हैं, किसको छोड़ के आना चाहते हैं चांद के ऊपर? आप खुद वापस आ जाएंगे आप? ऑप्शंस आपके पास हैं तलाल चौधरी और अली गोहर बलोच। तलाल चौधरी। तलाल चौधरी को छोड़ दिया है इन्होंने चांद के ऊपर। इतना गए ने, उन्होंने तीन चार दोस्त भी अपने से सेट कर लेने। मजबूरी के तहत तस्वीर आपने बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, किसका चेहरा देखना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं शहजाद अकबर और शहबाज गिल साहब। शहजाद अकबर। शहजाद अकबर का चेहरा देखना चाहते हैं दोस्त, ठीक है। ये बताइए सर टाइटैनिक पर जा रहे हैं, किसको साथ लेके जाना चाहते हैं टाइटैनिक के ऊपर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और डॉक्टर फिरदौस आशिकवान। माहिरा ही ठीक है मैं कहूं। अच्छा डूबती कश्ती में आप, दो लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर किसी की जान बचानी है, किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आबिद शेर अली और आसिया अमजद साहिबा। मेरा ख्याल है लेडीज को बचाना चाहिए, चाहे हमारे मुखालिफ हैं। हाँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि ताहिर भाई आप अपने शेर अली साहब को बचाएं, मैं खुद बहुत अच्छी स्विमर हूँ, मैं वैसे ही बच के आ जाऊंगी। यही तो मसला PTI वालों नूं कि कोई इन्हां दी मदद भी करन नूं तैयार होवे, फिर भी है जड़ा अपनी नाअहली नूं लैके अगे आ जांदे आ। मगर आसिया जी थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मियां साहब।